ये कहानी एक लड़की की जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिसे सेक्स करने में आसानी हो, और इस ऐप बनाने के चक्कर में वो खुद भी कईयों के साथ इंटीमेट होती है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत होती है और हम एवरी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका ये साल हाई स्कूल में आखिरी साल होता है। हर साल की तरह स्टेमकॉम की तरफ से एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बड़ा इवेंट होता है, और इस कॉम्पिटिशन में लोगों को एक अच्छा सा ऐप बनाना पड़ता है जो कि लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इस ऐप को डिजाइन करने के लिए सबको 34 डेज दिया जाता है। एवरी भी इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहती है जिससे उसे फ्यूचर में काफी बेनिफिट होगा। वो इस कॉम्पिटिशन के लिए काफी एक्साइटेड है और साथ ही साथ उसके कॉलेज में प्रॉम नाइट होने वाला है। फिर एवरी अपने बेस्ट फ्रेंड लार्सर से मिलती है, और लार्सर एवरी का चाइल्डहुड दोस्त है, और साथ ही साथ वो हमेशा एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। वो अपना हर एक एक्सपेरिमेंट उसी पर ट्राई करती है, और एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम क्रिस्पर है जो उसे पिछले कॉम्पिटिशन के दौरान मिला था। यहाँ लार्सर उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी प्रॉम नाइट पर लाने वाली हो, जिस पर एवरी कहती है कि मैं बस अभी कॉम्पिटिशन पर फोकस करना चाहती हूँ। उसी रात एवरी ऐप के बारे में आइडिया ढूंढ रही थी, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्पर का कॉल आता है जहां पर वो भी प्रॉम नाइट के बारे में ही बातें कर रहा था, क्योंकि वो एवरी के साथ प्रॉम नाइट के बाद फिजिकली इंटीमेट होना चाहता था। यहां एवरी जैसे ही क्रिस्पर की इंटीमेट होने वाली बात सुनती है तो उसे घबराहट होने लगती है, और वो किसी बहाने से जानबूझकर कॉल कट कर देती है। अब एवरी को समझ आ चुका था कि सेक्सुअल स्टफ ही उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, और वो डिसाइड करती है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप बनाएगी। एवरी के अकॉर्डिंग ये ऐप उन लोगों के लिए काम आएगा जो कि लव मेकिंग या इंटीमेट होने से डरते हैं। अब एवरी को उस ऐप के लिए डेटा चाहिए था जिसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए तीन लेडी आगे आती है, और इनको एवरी मदर कहकर बुलाती है। लेकिन यहाँ इन तीनों को भी इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस पर एवरी की एक मदर उसे सजेस्ट करती है कि उसे इंटरनेट पर डेटा ढूंढनी चाहिए। लेकिन एवरी को इंटरनेट पर कुछ भी काम का नहीं मिलता, जिस पर वो डिसाइड करती है वो खुद जाकर लोगों से बातें करेगी। और फिर दूसरे ही दिन वो अपने स्कूल के अलग अलग लोगों से इस बारे में बात करती है और बुक्स पढ़ती है, लेकिन उसे अब भी कोई काम की चीज़ नहीं मिलती। अगले दिन एवरी की मदर उसे उसकी फ्रेंड से इस बारे में बात करने को कहती है, और फिर एवरी अपने सभी दोस्तों के पास जाती है और उसका लव मेकिंग डिजायर के बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ हर एक का आंसर अलग अलग होता है जिससे एवरी और कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ एवरी को हर एक के मुंह से डेनिका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में पता चलता है, जिस पर एवरी सोचती है कि शायद से उसे डेनिका से कुछ पता चल सकता है, और ये सोचकर वो डेनिका के पास जाती है। डेनिका को हर तरह के लोगों के साथ सेक्स करने का एक्सपीरियंस है, और वो इन चीजों से रिलेटेड सारी बातें शेयर करती है। साथ ही वो एवरी को सजेस्ट करती है कि उसे इन चीजों को पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी वो इस ऐप को अच्छे से बना पाएगी। उसी रात एवरी खुद को प्लेजर देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है, लेकिन उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का चूसने में बिजी थी। अब उसे लार्सर की याद आती है क्योंकि वो बचपन से आज तक उसका एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। फिर नेक्स्ट डे वो लार्सर से सबके सामने कहती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसे कोने में ले जाकर पूछता है कि उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है, जिस पर एवरी उसे सब समझाती है, और वो कहती है कि वो ऐप बनाने के लिए ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती है ताकि वो एक अच्छा ऐप बना पाए और कंपटीशन जीत पाए। लेकिन यहाँ लार्सर उसे समझाता है कि वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता, पर एवरी उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि बस तुम्हें मेरे साथ सेक्स ही तो करना है, नो फीलिंग्स, बस सेक्स। लेकिन यहाँ लार्सर उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है, पर इतने में एवरी अपना टॉप ऊपर कर लेती है, जिसके बाद लार्सर मान जाता है। और फिर वो दोनों 3 बजे लार्सर के घर पर मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिस पर पहला स्टेप था किस करना। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर एवरी को कोई फीलिंग्स नहीं थी, जिस पर लार्सर मूड बनाने के लिए म्यूजिक ऑन करता है। और इसके बाद लार्सर जैसे ही एवरी के क्लोज आता है तो वो अपनी लिमिटेशन भूल जाता है और इधर उधर हाथ डालकर छूने लगता है, जिसे एवरी को बहुत अजीब लगता है, और वो वहां से उठकर चली जाती है। एवरी को आज पहली बार एक डिफरेंट सा फीलिंग आई थी जिसके बारे में वो पूरे रास्ते सोचती रहती है। फिर घर जाकर वो आज के सारे एक्सपीरियंसेस को ऐप में लोड कर देती है। अगले दिन वो वापस से लोगों से पूछती है कि उसे घपाघप के दौरान किस चीज से खुशी मिलती है, जिस पर सब कहते हैं कि चूसने में। ये सुनने के बाद एवरी को हर जगह वही दिखाई देने लगता है, और वो खुद भी डिसाइड करती है कि वो भी लार्सर का चूसेगी। फिर वो लार्सर के पास पहुंचती है और उसका चूसने लगती है। ये देखकर लार्सर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुद भी एवरी का चूसना चाहता था, लेकिन एवरी वहां से वापस बहाना बनाकर चली जाती है। अब उस कॉम्पिटिशन को मात्र 16 दिन बाकी थे और इधर एवरी का डेटा अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ था। एवरी को लगता है कि वो कुछ मिस कर रही है, जिसे जानने के लिए वो डेनिका के पास जाती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें खुद को प्लेजर देना सीखना चाहिए, और वो भी टॉय के साथ। यहाँ वो एवरी से पूछती है कि क्या तुमने कभी नीचे इस्तेमाल किए जाने वाले टॉय को देखा है। तब एवरी को
याद आता है कि वो बचपन से उस टॉय के साथ खेला करती थी, लेकिन उसे अब तक पता नहीं था कि असल में वो टॉय किस काम के है। डेनिका उसे खुद को प्लेजर देने को कहती है, जिस पर एवरी घर जाकर ट्राई करती है, लेकिन उसे बार बार ग्रिस्पर की याद आ रही थी जिस वजह से वो नहीं कर पाती। उल्टा वो खुद को चोट लगा लेती है और उसे ऐप के लिए एल्गोरिथम भी नहीं मिलते। तभी लार्सर उसे कॉल करता है और एवरी उसे सारी बातें शेयर करती है, जिस पर लार्सर उसे फोन सेक्स करने का सजेशन देता है, जिसके बाद एवरी और लार्सर फोन सेक्स करना शुरू कर देते हैं और दोनों का ये आइडिया काफी हद तक वर्क करता है, पर लार्सर एवरी को डिस्टर्ब कर देता है। अब कॉम्पिटिशन को मात्र एक वीक बचे थे और फिर नेक्स्ट डे एवरी अपने क्लासमेट से इस बारे में पूछती है, जिस पर सब कोई अपनी अपनी ओपिनियन बता देते हैं। साथ ही वहां पर मैथ की क्लास चल रही थी जहां सारे बच्चे मैथ के रिगार्डिंग डबल मीनिंग क्वेश्चन कर रहे थे, जहां जब मैम उन क्वेश्चन को सॉल्व करती है तब अचानक से एवरी के मन में एक आइडिया आता है और वो खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब उसे अपने ऐप के लिए कंप्लीट डेटा मिल गया था और उसे अब उन डेटा को फिट करके लार्सर के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। फिर वो लार्सर के पास पहुंचती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐप कंप्लीट होने की वजह से एवरी बहुत ही खुश थी और वो अपने ऐप का नाम सेक्स अपील रखती है। फिर वो लार्सर से पूछती है कि उसने पहली बार सेक्स कब किया, जिस पर लार्सर कहता है कि मैं तब तक किसी के साथ सेक्स नहीं करता जब तक मेरे मन में उसके लिए फीलिंग ना हो, और मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही सेक्स किया था। ये कहकर वो एवरी को किस करने लगता है, लेकिन यहाँ एवरी बताती है कि उसके दिल में लार्सर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो बस एक्सपेरिमेंट करी थी ताकि वो अपना ऐप बना पाए। यहाँ एवरी बताती है कि उसके ऐप से लोगों को पता चलेगा कि सक्सेसफुल प्लेजर कैसे मिल सकता है, और अब उसकी ऐप भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर रात को लार्सर एवरी के साथ साइंस म्यूजियम चलने के लिए कहता है, लेकिन एवरी मना कर देती है क्योंकि कल ही कंपटीशन होने वाला था। ये सुनकर लार्सर को बुरा लगता है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। लार्सर को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि एवरी ने उसका फायदा उठाया और वो अब भी उसे मात्र एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट समझती है। अगले दिन एवरी कॉम्पिटिशन के लिए पहुंचती है, जहां क्रिस्पर भी आया हुआ था और उसने फाइनेंस से रिलेटेड एक ऐप बनाया था। फिर रात को एवरी अपने ऐप का इस्तेमाल करके क्रिस्पर के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन उसका मजा किरकिरा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। यहाँ एवरी समझ जाती है कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी नहीं की जा सकती। ये सब के बाद एवरी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी ऐप ने काम नहीं किया। फिर अगले दिन एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन किसी को भी एवरी के ऐप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता और क्रिस्पर कॉम्पिटिशन जीत जाता है। एवरी अब लार्सर के पास पहुंचती है और उसके साथ घपाघप करने का बोलती है, जिस पर लार्सर मना कर देता है क्योंकि एवरी को किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं थी और वो बस लार्सर को अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मानती थी। लार्सर यहाँ कहता है कि पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया और अब मेरे अंदर की वो सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि अब मैं किसी ऐसी लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में आऊंगा जो मेरे फीलिंग्स को समझे, ना कि मेरा इस्तेमाल करे। एवरी उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे क्रिस्पर के साथ सेक्स करने की बात को लेकर अपसेट हो, जिस पर लार्सर कहता है कि नहीं, बल्कि वो तो खुश है कि उसने वो सब नहीं किया और जो भी हम दोनों के बीच हुआ वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ये कहकर वो एवरी को वहां से चले जाने को कहता है। यहाँ एवरी को भी रियलाइज होता है कि उसने लार्सर के साथ गलत किया। लव फीलिंग्स इंटीमेसी से काफी ऊपर होती है और हमें तभी किसी के साथ इंटीमेट होनी चाहिए जब हमारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो। घर पहुंचने के बाद एवरी लार्सर को मिस करती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। फिर उसकी मदर रूम में आती है और उसे देखकर एवरी कहती है कि आई लॉस्ट हिम, जिस पर मदर पूछती है कि कॉम्पिटिशन, जिस पर एवरी कहती है कि वो भी। फिर मदर पूछती है वर्जिनिटी, तो एवरी कहती है कि वो भी। यहाँ मदर एवरी को समझाती है कि अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने किसी स्पेशल को खो दिया, इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। फिर अगले दिन एवरी लार्सर के म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ कहती है कि तुम सही थे, लव और सेक्स आपस में कनेक्टेड है। ये सब सुनकर लार्सर वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिस पर एवरी भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जिस पर लार्सर कहता है कि मुझे मेरी जैसी केयरिंग और लविंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसी यूज करने वाली। तब एवरी उसे प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछती है, जो कि लार्सर हमेशा से चाहता था, लेकिन अब लार्सर उसे मना कर देता है। लार्सर पूछता है कि तुम्हारा प्रॉम तो क्रिस्पर था ना, जिस पर एवरी उसे हंसकर आई लव यू कहती है, लेकिन अब लार्सर को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे छोड़कर चला जाता है। एवरी इस बात से टूट जाती है और रोने लगती है। ये सब देखकर उसकी टीचर उसे कहती है कि अगर तुम्हारा हार्ट दुखी होता है तो इसका मतलब हार्ट वर्क कर रहा है और अब तुम्हें वो करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। ये सुनकर एवरी उस लड़की के पास जाती है जिसे लार्सर पसंद करता था। वो उसे लार्सर के साथ प्रॉम पर जाने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़की भी मान जाती है
और फिर हमें प्रॉम नाइट पर दिखाया जाता है जहां एवरी अकेले खड़ी होकर लार्सर को देख रही होती है जो कि एक लड़की के साथ प्रॉम नाइट पर एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर भी एवरी लार्सर को खुश देखकर स्माइल करती है। उसने एक सबक सीख लिया था कि अगर आप किसी को खुशी देते हो तो आपको भी बदले में खुशी मिलती है। यहाँ लार्सर भी उसे देखकर स्माइल पास करता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।